अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम जो सबक पढ़ेंगे उसका नाम है फन टाइम। फन का मानी होते हैं मज़ा। इस सबक के ज़रिए हम अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट्स लिखना सीखेंगे और इससे आपको बहुत मज़ा आएगा। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ए बी सी डी इस तरह से, आज हम क्यू बनाना सीखेंगे। आप तस्वीर में देख रहे हैं कि इसमें डॉटेड डॉट दिए हुए हैं, इन्हें हमें मिलाना है और उससे जो लेटर बनता है वो देखना है। देखिए, इसमें मैं डॉट्स को मिला रहा हूँ इस तरह से। डॉट्स को मिलाने के बाद ये अल्फ़ाबेट तैयार होता है हमारा क्यू। क्यू फॉर क्वीन। तो आप बाजू में देख रहे हैं कि बाजू में एक डॉट से बनी हुई शक्ल दिखाई दी। अब हम इन डॉट्स को मिलाते हैं तो हमें ये क्वीन की शक्ल तैयार होती दिखाई देंगी। प्यारे बच्चों, क्वीन के माने होते हैं रानी के। रानी, देखिए यह अब रानी की तस्वीर तैयार हो चुकी है। आया आपको मज़ा इसमें? ये तैयार हुआ लेटर क्यू, क्यू फॉर क्वीन। उसके बाद अगला लेटर आता है आर। अब आर भी हमें डॉटेड दिखाई दे रहे, डॉट 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 डॉट, इसे हम मिलाएंगे। देखिए मैं मिला रहा हूँ, मिलाने के बाद ये तैयार हो गया आर। आर फॉर रैबिट। आपने बताया रैबिट किसे कहते हैं? इस डॉट प्रॉबी रैबिट यानी खरगोश। इन डॉट्स को मिलाएंगे तो हमें रैबिट की शक्ल तैयार मिलेंगी। देखिए इस पे पेंसिल से मिलाइए तमाम डॉट्स को तो हमें रैबिट की शक्ल तैयार होती है। आर फॉर रैबिट। अगला जो लेटर है वो आता है एस। ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम मिलाते चलेंगे। ये बना है एस। एस फॉर स्नैक। एस फॉर स्नैक। बाजू में देखिए डॉट से बनाई हुई एक शक्ल है, इसे हम मिलाएंगे। जिस तरह मैं मिला रहा हूँ आपको भी इसी तरह मिलाना है डॉट्स को, और उसके ज़रिए ये हमें सांप की शक्ल तैयार होती है। एस फॉर स्नैक। अगला लेटर है टी। देखिए टी, ये डॉट्स जो दिखाई दिए हैं इन्हें हमें मिलाना है। ऊपर से ले नीचे लेकर जाएंगे पेंसिल को और इन डॉट्स को तमाम मिला दिए, ये तैयार हुआ है टी। अब टी के ज़रिए जो शक्ल हमारे सामने बन रही है उसमें भी डॉट से कुछ हिस्सा बताया गया है, उसे हमें मिलाना है। एक ही ये मिला रहा हूँ मैं। कौन सी शक्ल दिखाई दे रही है आपको? ट्री। टी फॉर ट्री। नेक्स्ट लेटर है हमारा यू। देखिए अब ये डॉट्स दिए हैं, इन्हें हमें मिलाना है, और जिस तरह मैं डॉट्स को मिला रहा हूँ आपको भी उसी तरीके से इन डॉट्स को मिलाकर लेटर तैयार करना है। ये लेटर तैयार हुआ यू। यू फॉर अम्ब्रेला। देखिए यहाँ पर अम्ब्रेला की शक्ल तैयार हो रही है, इसे भी कुछ डॉट्स दिए हुए उन्हें हमें मिलाना है और पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए इसे पूरी तरह से तैयार करना है, और तैयार होने के बाद हमें ये शक्ल मिलती है। आज हमने पढ़े क्यू, इसे लिखने का तरीका,
आप देख सकते हैं आपको भी इसी तरह मश्क करनी है। क्यू, क्यू फॉर क्वीन, क्वीन यानी रानी। आर, आर फॉर रैबिट, रैबिट यानी खरगोश। अगला लेटर है एस। देखिए जिस तरह मैं पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको भी उसी तरह पेंसिल का इस्तेमाल करना है। एस फॉर स्नैक, स्नैक को हम कहते हैं सांप। अगला लेटर है टी, टी फॉर ट्री, ट्री यानी दरख्त। उसके बाद का लेटर है हमारा आज का आखिरी यू, यू फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यानी छतरी। आया ना आपको मज़ा? इस तरह हम आज के सबक का जो नाम है फन टाइम, फन टाइम, इसमें हम सबक के जो अंग्रेज़ी के लेटर्स हैं उसको लिखने का तरीका और उसके ज़रिए क्या होता है वो देखें। ठीक है।